महिलाओं तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने, महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं की बैठक कुरुस साई मंदिर के समीप संपन्न हुई। बैठक में समाज सेवी और कांग्रेस नेत्री राजू चंदा मुख्य रूप से शामिल हुई। यहां महिला समिति का गठन भी किया गया। आर्थिक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने समाज सेवी और महिला कांग्रेस नेता राजू चंदा के मुख्य आतिथ्य में महिलाओं की बैठक कुरुस साई मंदिर के समीप संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपनी समस्याओं से राजू चंदा को अवगत कराया, जिसमें प्रमुख समस्या आय का स्रोत रही। महिलाओं ने आर्थिक रूप से मजबूत होने, विभिन्न कुटीर उद्योग का संचालन करने की मांग रखी, जिस पर महिला कांग्रेस नेता राजू चंदा ने उनकी मांग को जनप्रतिनिधियों सहित शासन प्रशासन तक पहुंचाने आश्वस्त किया। इसके अलावा बैठक में शामिल महिलाओं ने पेंशन, राशन कार्ड, महिलाओं के लिए भवन आदि जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया। बैठक की जानकारी राजू चंदा ने दी। मैं राजू चंदा बोल रही हूँ, अभी महामंत्री, जिला महामंत्री से, और मैं चाहती हूँ कि इन महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिला है, आज इन लोगों ने मुझे बुलाया है अपनी स्वागत करने के लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है स्वागत करने के लिए, क्योंकि ना ये जो महिलाएं आज मांग रही हैं उनका अधिकार है, तो ये अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए। कि जैसे पेंशन हो गया, इनकी अधिकार है, मैं इन लोगों की तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि इन लोग बोलते हैं कि अम्मा को बोलने बोलो, तो पेंशन इन लोगों को किसी को भी नहीं मिल रहा है, तो इनको पेंशन मिलना चाहिए। कुटीर उद्योग के लिए मांग रहे हैं ये, और इन लोग बाल विकास के लिए मांग रहे हैं। ये बाल विकास के लिए तो देवेंद्र यादव जी ने, मैं जब गई थी सारी महिलाओं को बोलने के लिए, तो देवेंद्र यादव जी खुद बोले कि बाल विकास मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बाल विकास में बहुत सारी योजनाएँ हैं, और अभी सरकार जो 26 जनवरी को हमारे भूपेश बघेल जी ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, वो सब आप लोगों को मिलेगा। मगर हमारे तरफ से हम यही बोल सकते हैं कि हमारी सरकार आप लोगों को देगी वो सारी चीज़ें। हम वादा करते हैं कि हम आए आप लोगों से वोटिंग के टाइम पे, और मैंने सारी चीज़ों से मिला, और आज लोग अधिकार से आप लोगों ने मुझे बुलाया है आपके एरिया में, तो मैं चाहूँगी कि वो अधिकार आप लोगों को मिले, और इन सब महिलाओं को मिले, और जो भी योजनाएं होंगी वो आप लोग तक पहुंचाएंगे। जो यहाँ पे 22 नंबर से और 21 नंबर की महिलाएं, जो 100-100 महिलाओं को इकट्ठा करी है, और उनका समिति भी बना है, एक पूर्णिमा साहू का समिति है, एक रिया सोनी और दूसरा दिनेश लोहिया, ये तीन समिति यहाँ बना हुआ है। तो इन लोगों को 300 लोगों के बीच में इन लोगों को काम चाहिए, और अभी 1000 हैं बाकी मेरे पास में, सब पेंडिंग है इन लोगों का, लेकिन इनके वार्ड से 1000 महिलाएँ हैं जो मेरे पास में। इन लोगों का पूरा आधार कार्ड है, और इन लोगों ने ईमानदारी से दिया है, हमको भरोसा करके दिया है, एक माँ को भरोसा करके दिया है, तो मैं चाहूँगी कि इस माँ का जो भरोसा वो ना टूटे। मैं हाथ जोड़ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी से और हमारे देवेंद्र यादव जी से, जो हमारे विधायक हैं, वो तो महिलाओं के लिए करते ही हैं और आगे भी करेंगे। और जैसे सेक्टर 5 का, और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे जो सारे पार्षद लोग जो हैं, जितने भी पार्षद बने हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग जीत तो गए हो, लेकिन अभी तक के महिलाओं लोगों का राशन कार्ड के लिए रो रहे हैं, उन लोगों के वार्ड में सफाई नहीं है, उन लोगों के यहाँ लाइट नहीं है, उन लोगों का नाली का परेशानी है। तो मैं इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि आप सब आगे आओ पार्षद लोग, और अपने अपने एरिया के लिए काम करो पहले। जैसे कि 46 वार्ड में जाके देखो, जग्गा ने वहाँ पे सबका वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, राशन कार्ड बन रहा है, ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। जैसे मैंने सुभद्रा मैडम के यहाँ गई थी, उनका भी राशन कार्ड बनना चालू हो गया। लेकिन बाकी एरिया में मैं जहाँ तक अभी तक मुझे बुलाए हैं, हर रोज़ का मीटिंग होता है 200, 300, 400, 500 महिलाओं की, लेकिन वो सब का एक ही कहना है कि यहाँ राशन कार्ड नहीं है। तो जितने भी पार्षद अगर जीत के बैठ गए हो, तो उन सबसे मेरा निवेदन है और आग्रह भी है कि आप सब महिलाओं के लिए आगे आओ और काम करो। हम लोग काम करने के लिए आगे आए हैं, तो आपका जो एरिया है वो देवेंद्र यादव जैसे बना दो। सेक्टर 5 में जाके देखो, और सारे 70 वार्ड के पार्षद लोग, और वैसे ही सारे वार्ड को साफ सुथरा महिलाओं के लिए अच्छा करके दो, ताकि आप लोग 100 साल तक के आराम से रह सकते हो, और वो महिलाएँ भी आपको भाई की तरह, पिता की तरह, बेटी की तरह, सारे लोग आपको वो सम्मान दे सके। तो मैं यही बोलूंगी कि इन महिलाओं का जो भी अधिकार है वो दे, जो मुझे फूलो देवी के द्वारा और देवेंद्र यादव के द्वारा और हमारे जिला मैडम जो है सुभद्रा के तरफ से हम मुझे जो मिला है जो जिला महामंत्री का, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इन महिलाओं का जो भी आज मुझे मिल रहा है सहानुभूति,
वो उन्हीं लोगों की देन है। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो महिलाओं का जो जो अधिकार है, जैसे बाल विकास नहीं है, क्या आंगनवाड़ी नहीं है बोलते हैं, उन लोगों के लिए भवन नहीं है करके, सारे महिलाओं का एक ही है कि सब लोगों के लिए सब चीज़ है लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोगों सारे चीज़ों को, आप लोग मेरे निवेदन है कि उन सबको दें। बैठक में शामिल होने आई महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे वार्ड में मतलब कार्यालय नहीं है महिलाओं के लिए, और खास करके आंगनबाड़ी नहीं है। हम लोग को एक आंगनबाड़ी चाहिए। हम लोग 21 नंबर वार्ड में, हमारे कोई भी आंगनबाड़ी नहीं है। हमारी महिलाएं जो डिलीवरी होने रहता है वो जाती है क्रूर 22 नंबर वार्ड में जाती है। हमारे को एक रिक्वेस्ट है कि एक आंगनबाड़ी और बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, और पेंशन जो हमारी 20 साल की लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं उन लोग को 1 लाख का सरकार देती है, वो सब हक मिलना चाहिए। सब सब परेशानी है सर, महिला के लिए काम चाहिए, पेंशन चाहिए, कोई भी भवन नहीं है यहाँ। हम सब काम करना चाहते हैं, हम सब महिलाएं, सब महिलाएं तैयार है गांव में। मेरा नाम रिया सोनी है, मैं वार्ड नंबर 21 से हूँ। हम चंदा माँ के थ्रू आए हैं और उन्हीं के चक्कर में हम अब आज जो जो सरकार हमें जो नहीं मिल पा रहा है, हमें जो सरकार दे रही है, हम उसी की घोषणा करके हम वो पाना चाहते हैं हर महिला के लिए और हर सबके साथ में। क्या चाहती हैं आप लोग, क्या सरकार आपको क्या चीज़ सुविधा? हम ये चाहते हैं जो बुजुर्ग लोगों की जो पेंशन है वो पेंशन नहीं मिल रही, बहुत परेशान है, इधर उधर भटक रहे हैं। जिनका राशन कार्ड नहीं है उनके लिए राशन कार्ड बनाना, ये सब। और जो कुटुंब नहीं है हमारे वहाँ उद्योग में, हम वो चाहते हैं कि कुछ कारगर कुछ आए कि हम घर बैठे कुछ कर सकें। गौरतलब है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला कांग्रेस नेता राजू चंदा द्वारा विभिन्न वार्डों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की बैठक ली जा रही है। इनकी समस्याओं की सूची तैयार कर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, साथ ही इन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की मांग की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।